बीजेपी आ गई जिसका कोई जनाधार नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, क्रेडिबिलिटी जिस नेता की खत्म हो गई, जिस नेता के ऊपर दाग ही दाग पूरे कार्यकाल में हो, पॉक्सो कोर्ट ने कह दिया जांच के लिए, तो आप समझे कि बीजेपी की ये स्थिति होगी कि वो अपने आप को नीचे ले आने का काम किया है। तो पूरी बीजेपी डरी हुई है और डर का कारण आप लोग सब लोग जानते हैं, चाहे बाई इलेक्शन हो, राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और जीतने का काम किया। और अब जिस प्रकार से बीजेपी ने जो वादा पूरा नहीं किया, अब तो जनता के बीच जाने से डरते हैं लोग। जनता जो है सवाल पूछ रही है कि 15 लाख रुपए कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, गंगा सफाई योजना का क्या हुआ, कितने स्मार्ट सिटीज बने, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, न्यू इंडिया का क्या हुआ, तो ये तो सारा सवाल जो है, बुलेट ट्रेन कब चलेगी, तो ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बीजेपी के लोग जनता से डरे हैं। और देखिए साफ साफ कौन कहाँ से लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये एक पार्टी का विषय है और व्यक्तिगत विषय है, इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। ये बताइए, लेकिन चुनाव में किसी को भी कम आंकना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहना चाहिए। मजबूती के साथ कोई भी पार्टी होती है चाहती है कि वो चुनाव जो है जीतने जीते और जीतने के लिए लड़ती है। लेकिन तेजस्वी जी, एक सवाल ये है कि महागठबंधन में भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है, क्या करेंगे आप? महागठबंधन में भी बहुत जगह बीजेपी ने अपने सहयोगी दल का विलय करवा लिया, तो उसको क्या कहेंगे? ये कहाँ का गोवा में देखिए, अब ये सब पार्टी में कौन कहाँ विलय करता नहीं करता, ये तो पार्टी का विषय है, आप देखिएगा ना। लेकिन ये तो बीजेपी का डर का कारण है। 3 राज्यों में जो हार हुई है उसके बाद और उसके पहले की बीजेपी में कितना अंतर आया है। पहले ये सहयोगियों को इग्नोर किया करते थे, अब इनकी मजबूरी बन गई है कि साथ उठा करके लेकर के चले। पहला डर, दूसरा अवसरवाद, ये अवसरवाद की राजनीति। 4 साल किसी को पूछी नहीं, 5वां साल जब चुनाव आ रहा है तो आप पूछने का काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, चुनाव का समय है। आप यूपी में चुनाव प्रचार करने जाएंगे? कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। किस बात का पेच फंसा हुआ है? 2 फेज का हो गया है, 3रा फेज का आखिरी नामांकन जो अभी है, भी ये क्लियर हो गया है कि दरभंगा से कीर्ति आजाद लगातार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का, आप खगड़िया सीट भी आपका आपने अभी तक क्लियर नहीं किया है, आप लोगों का विषय है। आप लोग जो हैं अगर इस चीजों पे चर्चा नहीं कीजिए तो टीवी कौन देखेगा? तो आप लोग जो है चलते रहिए। हालांकि जब लिस्ट आएगी आधिकारिक रूप से जल्द से जल्द आप लोगों को हम प्रयास करें कि सूचना दें। उत्तर प्रदेश में जाएंगे चुनाव प्रचार में? उत्तर प्रदेश में आपका नाम है, नाम है, देखते हैं ना भाई क्या माहौल। अच्छा, पप्पू यादव को लेकर के भी कई तरीके से चर्चा है। जी एक सवाल है, क्या सुपौल सीट को लेकर के भी हम कुछ इस पर टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे? हम तो यही चाहेंगे, और हमने देखिए कभी इस्तीफा तो मांगा नहीं, हमने कभी ये तो नहीं बोला कि राजनीति से संन्यास ले लीजिए। खुद ही लोग आगे बढ़ चढ़ करके बोला करते थे कि भाई दोनों भाई चुनाव अगर हार जाएंगे विधानसभा में तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो कायदे से नैतिकता से तो संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन हम मांग नहीं रहे संन्यास, नहीं बोल रहे कि आप संन्यास ले लो, लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो पब्लिक डोमेन में आप लोगों के सामने मांग की थी, बोला था ये कि हम संन्यास ले लेंगे, तो कायदे से तो उनको जो है संन्यास ले लेना चाहिए। हालांकि हम इस पे कुछ बोलना नहीं चाहते। सुपौल सीट पर भी आप लोगों ने सवाल खड़ा किया है, बीजेपी ने जोशी जी का भी टिकट काट दिया है।